चलिए अस्पताल से जुड़ी हुई खबर हम बेमेतरा से भी देख लेते हैं। बेमेतरा जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जिसे रिसर्च सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, वहां ना तो मरीजों को सही ढंग से इलाज मिल पा रहा है और न ही जरूरत पड़ने पर जीवन रक्षक दवाइयां मिल पा रही हैं। ऐसे में गंभीर स्थिति में भर्ती होने वाले मरीजों को कैसे उनका इलाज होगा, ये बड़ा सवाल है। इसकी बानगी एक बार फिर उस वक्त देखने को मिली जब 9 साल के मासूम मरीज को गोद में उठाए परिजन यहाँ से वहां घूमते रहे लेकिन उसे इलाज ही नहीं मिल सका। दरअसल अंधियार खोर गांव के एक बच्चे को आवारा कुत्ते ने बुरी तरह से काट लिया था जिसके चलते मासूम के हाथ की उंगलियां ही अलग हो गई थी। जब इस स्थिति में परिजन किसी तरह बच्चे को लेकर बेमेतरा अस्पताल पहुंचे तब डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद पता चला कि अस्पताल में एंटी रेबीज का इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं है, जिसके बाद मजबूरन परिजन बच्चों को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे और बच्चों की जिंदगी बच सकी। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसी तरह सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है तो फिर बीमार लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे ही है। तो अभी अस्पताल में दवा है बता रहे हैं? उसमें अभी सीएमएचओ साहब से भी इसके संबंध में जानकारी ली गई है। उनके पास एंटी रेबीज वैक्सीनेशन अभी शॉर्टेज है, उसके लिए उनको निर्देशित भी किया गया है कि जीवनदीप समिति से या फिर आयुष्मान के तहत उसने इलाज। दिलीप साहू ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कर रहे हैं सीएमएचओ साहब अगर उनको यही नहीं पता कि स्टॉक में एंटी रेबीज इंजेक्शन अवेलेबल है या नहीं है, जब जानकारी ही नहीं है तो किस तरह से व्यवस्थाओं पर नियंत्रण रख पा रहे होंगे? देखिए, पूरा मामला बेमेतरा जिला का जिला सरकारी अस्पताल का मामला है जहां एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं है पूरे जिले भर में, लेकिन कोई आता है सांप इच्छुक मतलब पूरे जिले में जितने भी अस्पताल हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कहीं भी एंटी रेबीज इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन जिला कलेक्टर का क्या कुछ कहना है? जाहिर सी बात है, उनको तो मामले के बारे में अब जानकारी हो ही गई है। जानकारी होने के बाद सिंह साहब को कई बार अवगत कराया गया है। आपको रोकना चाहेंगे, जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश जी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सतीश जी, शुक्रिया और स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। हाँ मैडम। सतीश जी, क्या वजह बताई जाती है कि एंटी रेबीज के जो इंजेक्शन है वो पूरे जिले में अवेलेबल नहीं है? नहीं मैडम, थोड़ी सी दिक्कत थी एंटी रेबीज की और क्या है, मार्केट में भी फ्रीली अवेलेबल नहीं था। वास्तव में ये सीजीएमएस से दिया जाता है तो उसकी व्यवस्था कर ली गई है और उसकी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी उसमें मार्केट में भी मिलने में प्रॉब्लम होती है और उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी मैडम। कर ली जाएगी सर? कितने दिन अभी में? अभी हमने कर लिया है, बाकी उसको और आने पर और व्यवस्था उसको सुनिश्चित कर ली। लेकिन सर, आप लोगों के पास स्टॉक इतना अवेलेबल क्यों नहीं होता? क्योंकि राज्य सरकार करोड़ों, सुन लीजिएगा सतीश जी, राज्य सरकार करोड़ों रुपए का बजट अलॉट करती है और ये तमाम ये ऐसी दवाइयां हैं जो लोग खरीद नहीं सकते, इनकी अवेलेबिलिटी राज्य सरकार के जरिए कराई जाती है। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं सर, अगर स्टॉक नहीं है और स्टॉक में अगर सही तरीके से मिलान नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन तो सर आपको ही करना चाहिए ना, कि कब क्या है कब क्या नहीं है। नहीं, उसमें मैडम अवेलेबिलिटी की दिक्कत है क्योंकि वो आसानी से उपलब्ध नहीं होने के कारण उसमें थोड़ी सी जो उसकी उपलब्धता है वो प्रभावित हुई है और सभी जिलों में हुई है और वो आने वाले समय में ठीक हो जाएगी ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन सतीश जी, इस दरमियान एक बच्चे को जिस तरह से कुत्ते ने काटा उसको निजी अस्पताल जाना पड़ा, उनका क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति भी इस लायक नहीं थी कि वो एंटी रेबीज का इंजेक्शन उसको परचेज कर सके, लेकिन किया किसी तरह से किया क्योंकि उनको अपने बच्चे की जान बचानी थी। इस तरह की स्थिति में भाई आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, बच्चे की जान चली जाती या बच्चे के ऊपर इसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते तो क्या आप जिम्मेदारी लेते? क्योंकि आप जिम्मेदार पद पे बैठे हुए जिला चिकित्सा अधिकारी हैं आप सतीश जी। और उसको मैडम अवगत कराना चाहूंगा कि उसको अपन ने प्राथमिक उपचार भी दिया था और बाद में एंटी रेबीज का भी इंजेक्शन लगा है और उसको अपन ने रिफर नहीं किया था। 8 वर्ष का बच्चा आया था जिला अस्पताल में और वो थोड़ा सा दिक्कत के चलते ये स्थिति निर्मित हुई,
पर आने वाले समय में स्थिति निर्मित न हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सतीश, उम्मीद भी हम यही करते हैं क्योंकि राज्य सरकार तमाम तरह की योजना संचालित करती है गरीबों के लिए, हितग्राहियों के लिए, कि उनको इन तमाम योजनाओं का लाभ मिल सके और तमाम जो फैसिलिटीज राज्य सरकार के द्वारा मेडिकल से रिगार्डिंग है वो मिल सके। अगर अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी तो आप लोगों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा और सरकार की तमाम योजनाओं पर भी पलीता लगेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। दिलीप साहू जुड़े हुए थे, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार